Audio Jungle. नमस्कार, दिन भर की ताजा खबरें लेकर हम हाजिर हैं सिटी बुलेटिन में। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। बस कर्मियों की हड़ताल की वजह से दिन भर यात्री परेशान रहे, तो वहीं टैक्सी चालकों ने इसका भरपूर लाभ लिया और ओवरलोड टैक्सियां भरकर ज्यादा दामों में लोगों को पहुंचाया। इसके अलावा एक टैक्सी चालक की ईमानदारी सामने निकल कर आई, 1,77,000 रुपयों का बैग लौटाया। और भी खबरें हैं, सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। नई परिवहन नीति के विरोध में आज दिन भर थमे रहे बसों के पहिए। एक 1,77,000 रुपयों से भरा बैग मिला था टैक्सी में, पुलिस को दी सूचना, परिजनों को वापस मिला बैग। और शहर में दो जगह लगाए गए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 1,000 से भी ज्यादा मरीजों ने उठाया लाभ। राजनगर से आई हुई महिला की 3 घंटे के अंदर हुई अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाया इलाज न मिलने का आरोप। करते हैं खबरों का विस्तार। केंद्र सरकार की नई परिवहन नीति का विरोध व्यापक स्तर पर देखने को मिला। छतरपुर में भी बस चालकों ने हड़ताल रखी। इसकी वजह से कई यात्री परेशान रहे, उन्हें बाहर आने जाने के लिए टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। टैक्सी चालकों ने भी इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और ओवरलोड टैक्सियां भरकर और एक्स्ट्रा दाम लेकर लोगों को पहुंचाया। दरअसल जो केंद्र सरकार ने एक नीति लागू की है, उस नीति के तहत अब किसी भी एक्सीडेंट या इस तरह की दुर्घटना में सीधे तौर पर ड्राइवर और क्लीनर को दोषी मानते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना और 6 माह की सजा तक का प्रावधान रखा गया है, जबकि इससे बीमा कंपनी को वंचित किया गया है। जबकि पहले बीमा कंपनी और मोटर मालिक भी पार्टी बनाया जाता था। इस बात को लेकर लोगों ने विरोध दर्ज किया है कि गरीब ड्राइवर और क्लीनर के ऊपर सरकार कहर ढा रही है। हमें कटनी जाना है, 13वीं को अटेंड करना है जी, और हड़ताल से हमें परेशानी ज़्यादा है कि हम उस कार्यक्रम में नहीं जा पा रहे हैं जी। अपनी यात्रा कैंसिल करेंगे। अनाउंसमेंट हुआ है कि आज हड़ताल है और ज़्यादा कारण तो समझ में नहीं आया है। हाँ, किस कारण से हड़ताल है? भारत सरकार परिवहन मंत्रालय द्वारा एक्सीडेंट ड्राइवर के एक्सीडेंट करने पर जो धारा बनाई गई है, उस धारा में 304 ए की जगह 304 कर दिया है, जिसमें 6 साल की सज़ा एवं 50,000 रुपये जुर्माना रखा गया है। और पूर्व में ये धारा 304 ए थी, जिसमें एक्सीडेंट होने पर ड्राइवर 1 घंटे में जमानत हो जाती थी और छूट के घर आ जाता। इसमें ड्राइवर छूट के नहीं आएगा और वो जेल में ही रहेगा। दूसरी बात यह है कि इसमें बस ओनर को भी पृथक कर दिया है इस धारा से, वो अपराधी नहीं बनेगा, हड़ताल पर रहेंगे। अब जो लोग पता नहीं है जिनको, उनके लिए हमें खेद है कि उनको असुविधा हो रही है। और जो यात्री बाहर के हैं, अगर वो उनके पास व्यवस्था नहीं है तो हमारे पास खाना पीना की व्यवस्था है और हम उनका आदर पूर्वक भोजन की व्यवस्था कराएंगे। भगवा की एक छात्रा को लेने उसके पिता छतरपुर आए और उसके बाद जिस टैक्सी से वे चौबीत राहा तक आए, उस टैक्सी में उनका रुपयों से भरा हुआ बैग छूट गया। रुपए कोई छोटे मोटे नहीं बल्कि 1,77,000 रुपए थे। इसके बाद रुपयों की तलाश जारी हो गई। वहीं टैक्सी चालक भी सवारी को छोड़कर वापस चला गया।
रात में 11 बजे जब उसने अपनी टैक्सी का सामान खंगाला तो देखा कि एक बैग इसमें रखा हुआ है और इसमें पैसे भी रखे हुए हैं। इसके बावजूद टैक्सी चालक का ईमान नहीं डोला और उसने पुलिस कंट्रोल रूम में इस बात की सूचना दी। बाद में सिविल लाइन थाना पुलिस के माध्यम से परिजनों को ये पैसे लौटाए गए। टैक्सी चालक अमजद खान ने बताया कि जब वो रात में टैक्सी साफ कर रहा था उस दौरान ये बैग मिला और बैग में रुपए भरे पड़े थे। के बाद उसने किसी जरूरतमंद के रुपए होने की बात समझी और उसके बाद पुलिस को फोन किया। शिव प्रताप सिंह इसके लिए परेशान हो रहे थे। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शिव प्रताप सिंह को बुलाया और उसके बाद तफ्तीश करके ये रुपयों से भरा बैग वापस लौटाया गया। चालक की ईमानदारी की सर्वोत्तम प्रशंसा हो रही है। कहा जा रहा है कि आगामी दिनों में टैक्सी चालक को सम्मानित भी किया जाएगा। मैं मतलब चौबी कॉलोनी से मैं रहती हूँ, तो मैं अपने गांव जा रही थी भगवान, तो वहाँ पे क्या कहते हैं अनवर सिटी सेंटर से बैठी थी और चौबी टिकट डब्बे उतारना था, तो बीच में बस आ गई और वो टैक्सी में ऑटो में छूट गया। लगभग कितने पैसे थे टैक्सी उसमें? उसमें 176,000 थे। ऑटो वाले इतना ईमानदार था तो अच्छा है। आज के ज़माने में अगर ऐसे सब लोग हो जाए तो ज़माना बहुत मतलब बहुत अच्छा होगा। ऐसा कितना इम्पोर्टेंट रखते हैं पैसे? बहुत ज़्यादा, मतलब अगर उसने लौटा दिए तो वो हमें और भी ज़्यादा अच्छा, मतलब और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बढ़ गए पैसे के लिए। जो मैंने सर को फ़ोन लगा के बता दिया और मेरी गाड़ी में थी, तो मैंने क्योंकि सर को फ़ोन लगवाया था तो उनको पैसे मैंने अपने ड्राइवर को लेके थाने आ गया, फिर पैसे पहुँचा दिए। बैग में लगा कितने पैसे थे? 1.5 के समथिंग थे सर। किसी का मेहनत का पैसा है सर, किसी कुछ अपने पास से देने से कुछ होता तो है नहीं सर, किसी का मेहनत का बहुत मेहनत से कमाते हैं पैसे हर कोई। सर किसी को भी मिल जाए तो हमारा तो यही है कि जिसका भी हो पहुंच जाए, पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं। करीब 11 बजे किसी टैक्सी में बैग छूट जाने की सूचना मिली थी। इसकी सूचना कंट्रोल रूम के जरिए सारी जितने पॉइंट भी लगे हैं ट्रैफिक पॉइंट वाले थाने वाले को सबको बताया गया। आज टेलीफोन के जरिए एक पत्रकार के द्वारा सूचना दी गई कंट्रोल रूम में कि किसी के पास बैग रखा हुआ है, तो सर्च करवाया गया। अमजद खान करके टैक्सी ड्राइवर है, टैक्सी मालिक, उन्होंने बड़ी ईमानदारी का परिचय दे करके पुलिस को सूचना दी और मुझ तक बैग पहुँचाया उसने। और उसमें जो शिव प्रसाद पटेरिया हैं भगवान के, उनका बैग है, उसमें कुछ पैसे 1,76,000 इतना पैसा, बच्चों के कुछ कपड़े, कुछ दवाई, ये सारा चीज़ जैसा हमने रखा था वैसे मिला। बहुत अच्छी बात है कि जिसको भी ऐसे आए दिन टैक्सी में बस में बैग छूटने सामान छूटने की सूचना मिलती रहती है, लोग पास आती है, तो आप लोगों के जरिए मैं समाज के बाकी लोगों को भी एक मैसेज देना चाहूँगा कि ये जो अमजद ने आज जो मिसाल पेश की, ऐसे बाकी लोगों को भी करना चाहिए। अगर बाकी लोग भी करते हैं तो समाज के लिए बहुत अच्छी बात है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के जिला कार्यालय में सागर रोड पर एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में हृदय जांच, बीपी, शुगर और अन्य तरह की जांचें की गईं और डॉक्टर्स द्वारा सलाह भी दी गई। इस शिविर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, जिसमें रामराजा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेदांता हार्ट केयर सेंटर के डॉक्टर्स द्वारा मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें हृदय परीक्षण, ECG, ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल, PTI सहित अन्य जांचें भी की गई और लोगों को सलाह दी गई। लगभग 500 से भी ज़्यादा लोगों ने इस हृदय रोग शिविर का लाभ उठाया। ये कैंप एक हार्ट डिजीज के प्रति हृदय रोग और जनरल पब्लिक के लिए अवेयरनेस के लिए लगाया गया है। अगर सही समय पर हार्ट रोगों का जाँच हो जाए, पता चल जाता है, कई सारी मृत्युओं बचाई जा सकती है। अभी तक इस कैंप में 70 पेशेंट्स हमने देख चुके हैं और मैं रामराजा हॉस्पिटल से आया हूँ। यहाँ पे आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में फर्स्ट टाइम एक कैथ लैब का उद्घाटन हुआ है। डॉक्टर झांसी से आए हैं, हमारे डॉक्टर इसके हैं रामराजा हॉस्पिटल और मेदांता के हैं डॉक्टर के विशेषज्ञ जो निःशुल्क कर रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं मेडिकल यूनियन की तरफ से संयुक्त रूप से हम लोग कर रहे हैं। इसमें समझे हम 200-300 मरीज आ चुके हैं और 400 मरीज करीब करीब इसका लाभ उठा पाएंगे। चौरसिया समाज द्वारा भी संस्कार धाम में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें 700 भी ज़्यादा मरीजों ने इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का लाभ लिया। साथ ही साथ उन्हें दवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। ये
निःशुल्क शिविर जिला चिकित्सालय के डॉक्टर्स के सहयोग से आयोजित किया गया था। शिविर के समापन के बाद चौरसिया समाज द्वारा डॉक्टर्स का सम्मान भी किया गया। इसमें जिला चिकित्सालय के और ये जो समाज के सारे डॉक्टर्स और जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ कनिष्ठ सारे डॉक्टर्स ने इसमें हिस्सा लिया है। और किस रोग के मरीज, तो इस तरह से एक पर्टिकुलर लगभग सभी मरीज के, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट के सारे विशेषज्ञ मौजूद थे, तो आँखों वाले, घुटना जोड़ के दर्द और हमारे विशेषता वाले बुखार सर्दी जो आजकल के मौसम की बीमारियां, उसके मरीज भी काफ़ी है। लगभग 700 मरीज आए हैं, तो हर प्रकार के मरीजों ने। चौरसी समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर था, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे CMHO साहब थे और प्रभारी डॉक्टर SK चौरसिया थे। लगभग 1000 से ज़्यादा पेशेंटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया और लगभग 350 लोगों ने क्लिनिकल फ़ायदा लिया, जैसे पैथोलॉजी और मेडिसिन का भी, और कुछ लोगों को रेफर भी किया गया है बाहर। हाँ, स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवाइयाँ भी फ्री दी गई हैं और पैथोलॉजी लैब के लिए उन्होंने हमें डॉक्टर भी दिए हैं और पूरा स्टाफ दिया है जाँच करने के लिए। राजनगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोमाकला की 30 वर्षीय क्रांति पटेल नाम की एक महिला को बीती रात लगभग 8 बजे के दरमियान जिला अस्पताल में लाया गया। उसके हाथ पैरों में सूजन थी, तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसे ऑक्सीजन चढ़ाई जानी थी, ब्लड भी चढ़ाया जाना था, लेकिन परिजनों ने बताया कि लापरवाही के चलते कुछ भी इंतजाम नहीं हो पाया और रात 11 बजे महिला की मौत हो गई। बहन है मेरी, पहले सर बुखार था और अब 2-3 दिन बाद पहले बुखार हुआ था और फिर इसके बाद में जान गांव के मतलब डॉक्टर के पास गए, दवा करवाई और फिर उसने दवा हार्ट पावर की कर दी हो या चाहे जो भी हो, ब्लड समय पे दे देते तो नहीं मरती। आज के लिए बस इतना ही, चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नई परिवहन नीति के विरोध में आज दिन भर थमे रहे बसों के पहिए। ₹1,77,000 से भरा बैग मिला था टैक्सी में, पुलिस को दी सूचना, परिजनों को वापस मिला बैग। और शहर में 2 जगह लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, 1000 से भी ज्यादा मरीजों ने उठाया लाभ। राजनगर से आई हुई महिला की 3 घंटे के अंदर हुई अस्पताल में मौत, परिजनों ने लगाया इलाज न मिलने का आरोप।